श्रृंगेरी पंचायत के टिकरी गांव में भीषण अग्निकांड से तीसरी मंजिल पर टीन की छत के दो कमरे जलकर राख हो गए। लिंटर वाले दो कमरों को भी नुकसान पहुंचा है। भीषण अग्निकांड में कमरों के भीतर रखी खाद्य सामग्री, मवेशियों के लिए रखा घास, मकान की सीलिंग और खिड़की दरवाजे की चौखटों समेत एकत्रित कर रखी गई देवदार की लकड़ी भी जलकर राख हो गई है। इससे प्रभावित परिवार को करीब 7 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उधर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के पटवारी ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की फौरी राहत दी है। पीड़ित लेखाराम पुत्र नौरंग ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे वह पत्नी अनु के साथ खेतों में काम कर रहे थे। उनकी माता रुक्मणी देवी मकान के भीतर रसोई घर में खाना बना रही थी। अचानक उनके मकान की तीसरी मंजिल स्थित दो कमरों में आग लग गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने खेतों में पहुंचकर उन्हें दी। इसके बाद वह दौड़े घर पहुंचे तो देखा कि लकड़ी की छत से निर्मित दो कमरों से आग की लपटें उठ रही थीं। प्रचंड हुई आग की लपटों को बुझाने के लिए ग्रामीण पानी की बाल्टियां, डिब्बों समेत मिट्टी से आग बुझाने में जुटे थे। आंखों के सामने मकान को जलता देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। भयंकर आग को बुझाने में उन्हें रात 11:30 बज गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के साथ आग बुझाने के साथ पानी की बौछारें कर आग को फैलने से रोका। अन्यथा आसपास स्थित 4 से 5 मकान भी आग की चपेट में आ सकते थे। प्रभावित को सर्दियों की चिंता सताने लगी है। सूचना मिलने के बाद पंचायत प्रधान और पटवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग से हुए नुकसान का आकलन कर प्रशासन की ओर से प्रभावित को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी। ग्राम पंचायत हिंगेरी की प्रधान चंपा देवी ने बताया कि भीषण अग्निकांड से लेखाराम के दो कमरे सामान समेत जल गए हैं। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित को हर संभव सहायता राशि देने की मांग उठाई है।